ना चेहरे ढांपे ना कोई और खौफ, दो कातिल मोटरसाइकिल पर आए, दीदा दलेरी से कदम बढ़ाए और दुकान में बैठे लोगों पर फायरिंग कर दी। बागबानपुरा में तहरे कत्ल की वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल, मुलजिम वारदात के बाद बाआसानी फरार। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला तवक्कुआत के बरक्स आया, कारकुनों में मायूसी, जिना अस्पताल के बाहर मतवाले रोते रहे, ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। सेनेटर आसिफ करमानी, शहबाज शरीफ की भी बड़े भाई से मिलने अस्पताल आमद। नवाज शरीफ की आदत की अपोजिशन जमातों से राब्तों और तहरीक के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले, तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को कानून के ऐन मुताबिक करार दे दिया है। जास चौधरी कहते हैं अदलिया आजाद है, मुल्की सरमायाकारी लूटने वाले अब कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। नदीम कादिर भंडर बोले, वजीर आजम मुल्क को करप्शन से पाक करके दम लेंगे। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड एहतसाब अदालत ने नैब के हवाले कर दिया। 5 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म, कंटेनर्स और खारदार तारे, अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। खिलाड़ियों की नारेबाजी, अदालत के मरकजी दरवाजे पर रोकने पर पुलिस से पुलिस की तल्ख कलामी भी हुई। नैब 20 रोज़ में कुछ साबित नहीं कर सका, यकीन है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। शाब सदीकी। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के मुकदमे के बाद कवाल, शेर मियादाद के खिलाफ मकान पर कब्जे का मुकदमा भी दर्ज, मुकदमा थाना सब्जासार में दर्ज किया गया। पुलिस दोनों मुकदमों में शेर मियादाद को गिरफ्तार करने में नाकाम। मेट्रो बस को भी हादसा, नश्तर स्टेशन पर आमने सामने से आने वाली दो मेट्रो बसें टकरा गई, मुसाफिर खातून अम्मारा जहां बहक, 13 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, डीसी की अस्पताल में जेरे इलाज, जख्मियों को तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पैसे दो काम लो, तनख्वाहें ना मिलने पर सफाई वर्कर्स का काम से इनकार, सफाई ऑपरेशन बंद। कूड़ा उठाने वाली 400 गाड़ियों का पहिया भी रुक गया। शहर में जिधर देखें कचरे के ढेर, बदबू ताफन से शहरियों की जिंदगी अजाब हो गई। आज अदायगियां करेंगे तर्जुमान LWMC। गंदगी देखें तस्वीर भेजें कचरा साफ, LWMC की क्लीन लाहौर मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह। नई ऐप से सफाई सुथराई का निजाम बेहतर होगा, वजीर बल्दियात बशारत राजा का तकरीब से खिताब। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे फिर खराब, मरम्मती काम शुरू, मरकजी रनवे शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। मुल्की और गैर मुल्की 50 से जायद परवाजें मुतासर होंगी। जिना अस्पताल में धक्कमपेल, मरीजों को रोज रोज पहुंचने वाली परेशानी की शिकायत, मतवालों के अस्पताल के अंदर दाखिले पर पाबंदी, बाहर नहीं जाएंगे। अस्पताल में बैठे लीगी कारकुनों ने अस्पताल इंतजामिया को साफ साफ सुना दी, नवाज शरीफ के फ्लेक्सेज उतारने पर भी अस्पताल इंतजामिया से झगड़ा। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का एक मरतबा फिर मेडिकल बोर्ड से गिला, बोले नवाज शरीफ के सिर्फ मर्ज की तशखीस हुई है, ताहल इलाज शुरू नहीं हुआ। एंजियोग्राफी जरूरी पाकिस्तान में होगी या बैरून मुल्क, इससे मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। हमजा शहबाज 22 रोज बाद लंदन से वतन वापस पहुंच गए, अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर 3 फरवरी को 10 रोज के लिए लंदन रवाना हुए, हाईकोर्ट की इजाजत से मजीद 14 रोज कयाम किया। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात में तेजी, नई GIT ने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला दीगर को आज तलब कर लिया। सीनियर पुलिस अफसरान और अवामी तहरीक के रहनुमाओं के बयानात पहले ही कलमबंद किए जा चुके हैं। दुबई के बाद सुपर लीग का मेला लाहौर में भी सजने को, PSL की टिकटों की फरोख शुरू, क्रिकेट के दीवानों ने जरा देर ना की,
टिकटें लेने पहुंच गए। गुलबर्ग, डिफेंस और मॉल रोड के TCS सेंटर्स पर लंबी कतारें। सबसे सस्ती 500 रुपए वाली टिकट चंद घंटों में खत्म। सिर्फ महंगी टिकटें दस्तियाब। क्रिकेट दीवानों का पारा हाई। मुर्गी के गोश्त को फिर पड़ लग गए। ब्रॉयलर की कीमत में मजीद 7 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 219 रुपए पर पहुंच गई। सब्जियां भी महंगी। टमाटर की सेंचुरी कई जगहों पर 110 रुपए फी किलो बिक रहा है। वजीरे बहनत अंसर मजीद खान का वर्कर्स वेलफेयर फॉर बॉयज हाई स्कूलों का दौरा। सूबाई वजीर ने स्कूलों में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। अंसर मजीद खान। सरकारी हज कोटा, बैंकों ने फॉर्म की फराहमी शुरू कर दी। 1 लाख से जायद हजाज सरकारी कोटे से हज की सादत हासिल करेंगे। कुरानदासी 8 मार्च को होगी।